हेलो फ्रेंड्स, आज आप लोग को बताएंगे कि थ्री पॉइंट स्टार्टर को हम लोग मोटर के साथ, डीसी मोटर के साथ कैसे कनेक्ट करेंगे। तो उसको डायग्राम के साथ पूरी कनेक्शन हम इसमें बताएंगे कि थ्री पॉइंट स्टार्टर का कनेक्शन शंट मोटर के साथ हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में पहले हम इसका डायग्राम बता देते हैं कि किस तरह से इसका डायग्राम होता है, उसके बाद इसका हम पूरा कनेक्शन करेंगे। तो शंट मोटर है, शंट मोटर है, तो शंट मोटर में एक फील्ड होता है, फील्ड का तार हो गया, मान लीजिए यह F1 हो गया और ये F2 हो गया। आर्मेचर का तार होता है दो, ये हो गया आपको A1 और ये हो गया A2, दो तार हो गया। और हमको स्टार्टर के साथ जोड़ना है, तो थ्री पॉइंट स्टार्टर है, तो थ्री पॉइंट स्टार्टर में तीन बिंदु होता है। क्या होता है? तीन बिंदु, एक होता है L, A और F, इस तरह से होता है। सेम टू सेम इस तरह से आपको उसमें भी मिल जाएगा। आर्मेचर का देखिए कितना तार हो गया शंट मोटर का, 1 2 3 4। तो देखिए शंट मोटर का मेरा चार तार है, देखिए दो हो गया मेरा रेड कलर का जो है, आर्मेचर का दो तार हो गया और दो तार किसका हो गया, फील्ड का, शंट फील्ड का दो तार हो गया। ठीक है, और आपको ये हो गया, उसके बाद एल ए एफ तीन पॉइंट जो आपका यह स्टार्टर में है, देखिए स्टार्टर में है ना एल ए एफ, तो तीन पॉइंट है, तो हो गया इसका कनेक्शन हम लोग स्टार्टर के साथ करेंगे। ठीक है, और इसके बाद चलिए इसमें हम लोग कनेक्शन करते हैं पहले डायग्राम के साथ कि कैसे करेंगे। तो देखिए कोई भी एक तार, चाहे आर्मेचर का, चाहे A1 हो, चाहे A2 हो, A1 के साथ जोड़ दीजिए, चाहे इसको जोड़िए चाहे इसको जोड़िए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप इसको एक तार जोड़ दिए, ये हो गया, इस तरह से जोड़ देंगे, और F1 का एक तार उसमें जोड़ देंगे, किसमें जोड़ देंगे, इसमें। तो कोई भी आप जोड़ सकते थे, चाहे तो F2 भी यहाँ भी जोड़ सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। ठीक है, ये हो गया, और इस दोनों को क्या कर देंगे, कॉमन कर देंगे, कॉमन कॉमन करा के इसमें क्या दे देंगे, न्यूट्रल, न्यूट्रल हो गया, यहाँ से एक कंप्लीट हो गया। अब बचा L, तो L जो बचा गया मेरा, इसमें क्या दे देंगे, पॉजिटिव दे देंगे, इसमें कहाँ दे देंगे, पॉजिटिव दे देंगे। ठीक है, यहाँ से पॉजिटिव आ गया। तो चलिए हम लोग इस डायग्राम से स्टार्ट करते हैं और इसका कनेक्शन करते हैं। तो देखिए इसमें आपका A1 है और F1 है, मतलब A है दिया हुआ, यहाँ F दिया हुआ, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, एक एक तार को जोड़ देंगे। तो दोनों ये आपका दो तार हो गया, एक आर्मेचर का हो गया, ये आपका आर्मेचर का हो गया और ये आपका फील्ड का हो गया, दो तार हो गया। ठीक है, तो हम लोग एक आर्मेचर के साथ जोड़ देंगे और एक फील्ड के साथ जोड़ देंगे, जैसा कि आप लोग डायग्राम में बताए। तो एक हम ले लिए, देखिए एक आर्मेचर का ले लिए, ये आर्मेचर का, ये आपका फील्ड का है, तो फील्ड को जोड़ दिए, इस तरह से जोड़ दिए। ठीक है, और एक आपका आर्मेचर का हो गया, तो हम लोग एक क्या कर दिए, आर्मेचर में जोड़ दिए। ठीक है, तो जुट गया आपका, दो तार मेरा कंप्लीट हो गया, एक चार तार था ना मेरा, ये मोटर का चार तार, तो चार तार था, इसमें से एक हम आर्मेचर में जोड़ दिए और एक फील्ड में जोड़ दिए, बचा दो तार। जैसे हम लोग यहाँ पर डायग्राम में देखिए, एक आर्मेचर का तार जोड़ दिया स्टार्टर में और एक फील्ड का जोड़ दिया स्टार्टर में, जुट गया, तो इस तरह से कंप्लीट हो गया। दो बच्चा जो हम लोग क्या करेंगे, ये जो दो बच्चा था F2 और A2, तो इस दोनों को क्या कर देंगे, कॉमन, तो कॉमन करेंगे और इसके बाद इसमें क्या दे देंगे, न्यूट्रल। तो न्यूट्रल मेरा देखिए, ये ब्लैक तार है, ये मेरा न्यूट्रल है, न्यूट्रल मतलब नेगेटिव, बैटरी का है ना, डीसी मोटर है, तो बैटरी का नेगेटिव हो गया, तो कहाँ चला जाएगा, इसमें चला जाएगा न्यूट्रल। तो इसमें हम कंप्लीट कर दिए, इस तार को भी कंप्लीट कर दिए, इस तार को भी कंप्लीट कर दिए यहाँ तक। अब बचा सिर्फ L, कौन सा, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव को हम क्या दे देंगे, स्टार्टर में दे देंगे, स्टार्टर में दे देंगे, इसमें, इसमें दे देंगे स्टार्टर में, इसमें जोड़ देते हैं इसको, तो इसमें कंप्लीट हो जाएगा। तो हम यहाँ पर L डाल दिए, इसमें पॉजिटिव डाल दिए, एक आर्मेचर का तार डाल दिए और एक फील्ड का तार डाल दिए, तो तीनों तार डाल दिए, कनेक्शन हो गया। तो तीन पॉइंट है, इसलिए थ्री पॉइंट स्टार्टर बोलते हैं इसको। ठीक है, अगर आपको इसको पूरा वीडियो देखना है कि किस तरह से वर्क करता है, कैसे काम होता है, क्या इसका नाम है, इसका फुल वीडियो अपलोड कर दिए हैं, तो भी आप जाकर मेरा चैनल पर देख सकते हैं। तो ठीक है, चलिए हम इसको स्टार्ट करके देखते हैं। और इसमें हम लोग को सारा कनेक्शन हो गया, डायग्राम भी समझ में आ गया आपको, अब हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट है मेरा। अब देखिए हैंडल को धीरे धीरे क्या करेंगे, आगे की ओर बढ़ाएंगे, तो रेस्ट इस तरह से, देखिए यह स्टार्ट हो गया,
ये आपका अट्रैक्ट कर लिया, अगर यही अगर ओवरलोड हो जाता है, ये तो एनबीसी कॉइल हो गया, आपको ये अट्रैक्ट कर लिया हैंडल को, और अगर वही ओवरलोड होता है तब इस कॉइल काम करता है। तो इस कॉइल क्या करता है देखिए, तो इस तरह से ये आपको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो हैंडल क्या होगा अपनी ओर वापस आ जाएगा, देखिए वापस आ गया ना। तो इस तरह से आपका स्टार्टर, थ्री पॉइंट स्टार्टर उपयोग किया जाता है, इस तरह से कनेक्शन किया जाता है, इससे स्टार्टर से मोटर मेरा सुरक्षित रहता है, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें।